पहली बात तो ओम प्रकाश राजभर एक भाजपा कायम किया, भाजपा पार्टी बता रहा है, जिसके सामने सुहलदेव जी की मूर्ति नाम जोड़ा है, ये गलत किसी भी पार्टी के साथ, क्योंकि महापुरुष सबका होता है, वो कोई पार्टी का नहीं है। इस पर भी उसके खिलाफ कार्रवाई चुनाव आयोग का करना चाहिए। दूसरी बात कि अब ओम प्रकाश राजभर ये कहता है कि मुख्तार अंसारी से हमारा 2500 वर्ष का संबंध है, तो इसका मतलब कि मुख्तार अंसारी हमारे दोस्त हैं, तो मुख्तार अंसारी के साथ कितने आपराधिक कार्यों में लिप्त रहा वो हो सकता है। मैं तो मेरे संज्ञान में तो यह रहा है कि मुख्तार अंसारी का ओम प्रकाश राजभर नहीं, ओम प्रकाश बी आर, वो जाति का बी आर है, अपने को राजभर कहता है, तो कितने हत्याओं में यह शूटर का काम, एक आदमी बता रहा था कि ओम प्रकाश बी आर जो है मुख्तार अंसारी का शूटर था। यह ओम प्रकाश खुद ये प्रमाणित कर दिया कि वो हमारे दोस्त थे, तो पहले तो सरकार को चाहिए कि इसको तुरंत इसके ऊपर आपराधिक मुकदमों में बंद करना चाहिए, और मुख्तार अंसारी के जो साथियों के साथ साथ होने की वजह से किसी का मकान रहा, किसी को प्रताड़ित किया गया, किसी को जेल में भेजा गया, तो सबसे पहले तो ओम प्रकाश को बंद करना चाहिए सरकार को, और इसके ऊपर तमाम आपराधिक मुकदमे चलाना चाहिए। ये तो न्याय संगत बात है, और इसको तत्काल सरकार बंद करके जेल में इसके ऊपर आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर राजभरों का ठेकेदार बनता है उत्तर प्रदेश में, जबकि इसके साथ 1% भी राजभर नहीं है। राजभरों के शराबी कहता है, राजभरों के सम्मान पर इसका ठेस लगा है, जबकि राजभर इससे खुद नाराज हैं, रोष व्यक्त करते हैं, और ये ठेकेदार बनता है। इसलिए मेरी मांग है सरकार से कि इसको तत्काल जेल में बंद करके आपराधिक मुकदमा चलाया जाना चाहिए और इसको परमानेंट जेल में रखना चाहिए। ऐसा तो लगता है उसके बयान से, उसी के बयान से लगता है कि ये मुख्तार अंसारी का सूटर है।